नमस्कार, आप देख रहे हैं द वंदे भारत। फतेहपुर जिले की बिंदकी विधानसभा के जोनिहा कस्बे में केंद्रीय मंत्री व बीजेपी प्रत्याशी साध्वी निरंजन ज्योति के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इस दौरान सीएम योगी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि तीसरी बार सत्ता में आने के बाद बीजेपी सीएम योगी को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी। सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल अभी अभी जेल से छूटे हैं, इसलिए जेल का साइड इफेक्ट उन पर हो रहा है। साइड इफेक्ट इस रूप में उन्होंने लगता है कि सत्ता अगर गई तो गई, अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। मैं उन्हें जवाब देना चाहता हूं कि मैं एक योगी हूं, मेरे लिए नेशन फर्स्ट है, देश के लिए सनातन हिंदू धर्म के लिए एक जन्म नहीं 100 जन्म, एक बार नहीं 100 बार हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, अपना सर्वस्व न्योछावर करेंगे। सीएम योगी ने आगे कहा, हम लोगों का जो कुछ भी है वो जनता जनार्दन के लिए है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, जैसे पहले थे वैसे ही आगे रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हैं तो अपने नेता के मिशन के लिए योजनाओं को ज़मीन पर उतार कर काम कर रहे हैं, साथ साथ बेटी और व्यापारी की पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी कर रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी कर रहे हैं, तो माफियाओं और दंगाइयों का राम नाम सत्य भी करवा रहे हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द वंदे भारत। नमस्कार।